सभी साथियों को जोहार। आज हम लोग आपके सिलेबस में जो मेंशन किया गया है, पीटी के सिलेबस में नहीं है, पीटी में तो चूंकि वर्गीकृत कर दिया गया है, चार्ट का जो है आपका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, उसी में सारा मोटा मोटी आपको पढ़ना है। लेकिन मेंस के सिलेबस में आपको अलग अलग टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन किया गया है, तो वहाँ पर आपको टॉपिक दिख जाएगा। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि राष्ट्रीय आय वगैरह में ये सब, चूँकि ये सब सारा बेसिक है, तो इसको सब कुछ जानना है, और ये आपके मेंस के सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, देखिएगा GSDP, NSDP और एक है DDP, ये तीन टर्मोलॉजी हम लोग देखेंगे आज, और भी कुछ कुछ बातें कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा झारखंड का सर्वे वगैरह पे देख लेंगे, बजट पे देख बजट हल्का चर्चा कर लेंगे, और कुछ और पॉइंट्स, प्रति व्यक्ति आय कैसे कैलकुलेट होता है और वो क्या काम करता है, ये सब सारा कुछ हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो ये इसमें से सबसे पहला, चलिए हम लोग इसे उठाते हैं, अभी इसे हटा देते हैं, इसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये दो टर्म है हमारा, GSDP और NSDP, तो आप लोग इसे देखिएगा और आराम से समझिएगा, क्योंकि हम लोग GDP पहले देख चुके हैं। GDP इस पर हम लोग बात किए हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, ये हम लोग पूरे अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, किसी भी एक देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसको देखा जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देख रहे हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भारतीय का, भारत का घरेलू सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो हम लोग उसका बजट आता है, बजट में होगा सर्वे आता है उसके एक दिन पहले, तो उसमें सारा कुछ बताया रहता है कि यहाँ से इतना इसका GDP रहा, सारा कुछ उसी तरह रहता है। बजट तो चूँकि आगामी में रहता है कि सरकार क्या क्या काम करने वाला, सरकार को कहाँ से प्राप्त होगा, ये रहता है बजट में। सर्वे में हमें ये सब सारा डेटा प्राप्त होता है कि इसका GDP कितना रहा, किस क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का क्या योगदान रहा। तो ये है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो चूँकि झारखंड भी एक राज्य है, प्रत्येक राज्य का अपना अपना एक बजट भी होता है, उसका भी सर्वे आता होगा, आप लोग जानते होंगे कि बजट आता है, बजट से एक दिन पहले सर्वे आता है। तो जब झारखंड का जो सर्वे आया है, तो उसमें भी तो आप लोग देखते ही होंगे, उसमें रहता है GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये चीज़ क्या है, यहाँ पर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य के घरेलू उत्पाद, हिंदी में ये बोल सकते हैं, राज्य के विषय में चर्चा है कि प्रत्येक राज्य का, तो सेम डिफिनेशन वही होगा जो हम लोग GDP में समझ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ घरेलू सीमा का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो बदल जा रहा है, उसका डायमेंशन चेंज होगा। यहाँ पे वो क्या हो जाएगा कि सकल राज्य के घरेलू उत्पाद, तो यहाँ पर अब हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि राज्य के बारे में बात हो रहा है, तो राज्य का घरेलू सीमा क्या है, तो एक राज्य का जो सीमा क्षेत्र है, तो हमारे झारखंड का जितना भी हमारा बाउंड्री है, तो इस सीमा क्षेत्र के अंदर जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, जो भी का मतलब लीगल वाला, कौन से राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं, कौन से आर्थिक गतिविधियां, कौन से नहीं शामिल होते हैं, इस पर चर्चा हो चुका है पिछला क्लास में। तो जो लोग वो वीडियो को ना देखे होंगे, तो वो जा करके देख लीजिए, उसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं कि जो भी लीगल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, और ट्रांसफरेबल मतलब हस्तांतरण वाला नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय आय किस में शामिल होता है, इस पर हम लोग चर्चा किए थे आराम से पिछले क्लास में, कि जिसके लिए काम किया गया हो, फ्री फोकट में मिला हुआ पैसा ऐड नहीं होता है, इलीगल पैसा ऐड नहीं होता है, ये सब सारा कुछ हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो इस पर यहाँ पर हम लोग वही समझना है कि जो भी लीगल गतिविधियाँ हो रही हैं झारखंड के सीमा रेखा के अंदर, उनका सभी का टोटल जितना आर्थिक गतिविधि है, वो लोग एक लेखा वर्ष में, GDP यही होता है, एक लेखा वर्ष में घरेलू सीमा क्षेत्र के भीतर समस्त आर्थिक इकाइयों के द्वारा, जो भी इकाई है, जो भी कोई काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो या फर्म हो कोई भी, तो समस्त इकाइयों के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं, वो हो गया सकल घरेलू उत्पाद एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इस पर भी चर्चा हो चुका है, तो आप लोग ये सब सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं, सबके बारे में आराम से डिस्कशन किया गया है, सारा चीज़ को समझा दिया गया है। तो अब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, तो ये आपको क्लियर होगा कि हमारे झारखंड के रेखा के अंदर, झारखंड का जो बाउंड्री है, उसके अंदर जो भी चीज़ है, सभी का बाजार मूल्य, जो भी हम लोग
प्रोडक्शन कर रहे हैं या सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी है टोटल, इसको आराम से आप बजट वाले में देखिएगा, वहाँ पर आपको भी चर्चा भी कर देंगे, आपको फिगर भी दिखा देंगे सारा कुछ। तो चलिए इस पर भी बात करते हैं। तो GSDP ये हो गया हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी से रिलेटेड यहाँ पर आ गया, जैसे GDP के बाद हम लोग एक तो देखते थे ना NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वही यहाँ पे नेट वाला यहाँ पर आ गया है। तो ग्रॉस से हम लोग जानते हैं कि GDP से नेट निकालने के लिए क्या करते थे कि NDP अगर निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे कि GDP-D, तो वहाँ पे भी यहाँ पे क्या कर देंगे GSDP, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे NSDP, ये जो हमें पढ़ना है NSDP मतलब नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये क्या है तो हम लोग जान रहे हैं। सकल से शुद्ध कैसे निकालते हैं हम लोग समझा चुके हैं, डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास को घटा करके, तो यहाँ पे भी वही करना है, NSDP से निकालने के लिए GSDP में माइनस डी, बस ये निकल जाएगा हमारा राज्य का, हमारे राज्य का या किसी भी राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राजकीय घरेलू उत्पाद भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए कि राज्य के संदर्भ में GSDP, NSDP। अब एक कॉन्सेप्ट आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि जैसे वहाँ पे हम लोग देखते थे ना कि जो हमारा राष्ट्रीय आय, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जब राष्ट्रीय आय ज्ञात करना होता है तो हम लोग जानते हैं कि ना GSDP को बोल GDP को बोलते हैं ना NDP को बोलते हैं, वहाँ राष्ट्रीय किसको बोलते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट, इसको निकाला कैसे जाता है बात हो चुका है। तो हम लोग इस पे क्या देखने वाले थे कि NNP यहाँ के नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया, तो यहाँ पे वैसा कुछ आएगा क्या, डी के जगह पे एन आएगा क्या, ऐसा कोई टर्म होगा GSNP, ये कोई टर्म है आपको सिलेबस में जाकर के देखिए, ये कोई टर्म होता ही नहीं है, सिलेबस में भी आपके दिया नहीं है और ये होता भी नहीं है। ग्रॉस स्टेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, स्टेट है स्टेट भी हो जाएगा नेशनल भी हो जाएगा, कैसे ये संभव है, या फिर GNNSNP नेट स्टेट नेशनल प्रोडक्ट, ये भी संभव है, ये भी संभव नहीं है। ये दोनों चूंकि राज्य है ना, तो राज्य तो राष्ट्र है नहीं, चूंकि हम लोग क्या हैं, हम लोग भारत के एक हिस्से हैं, एक पार्ट हैं, अलग राष्ट्र तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे इस संदर्भ में ये दोनों नहीं हो सकता है, सिर्फ यही होगा, क्या क्या होगा, GSDP और NSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हमने समझा कि जो भी क्षेत्र हमारे घरेलू क्षेत्र के सीमा रेखा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है एक वर्ष में उन सभी का मूल्य GSDP, और अगर उससे डिप्रिसिएशन हटा दें, इससे कर दें माइनस डी, तो ये हमारा निकल जाएगा NSDP। यहाँ तक क्लियर है, अब हम लोग इसी पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे DDP पे। जैसे कि आप अब चलिए हम लोग अब देखते हैं सर्वे के हिसाब से, चलिए पहले इसको एक चीज और है उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग वहां जाकर के देखेंगे। अब दो चीज था आपका वहां पर, आप सिलेबस में देखिएगा तो दो चीज दिखेगा GSDP, वो सब सारा GDP है ना, GNP, GSDP, NSDP, ये सब था, दो चीज पे मेंशन किया हुआ है कि एक है कांस्टेंट प्राइस और एक है करंट प्राइस। इसको चलिए इसको समझ लेते हैं, कांस्टेंट मतलब स्थिर मूल्य और यहां पर हो गया चालू मूल्य, इसको बोलते हैं या वर्तमान मूल्य भी बोलते हैं। ये चीज क्या है तो आप लोग एक काम करिएगा, हमारा जो एक मिनट, आप लोग या तो सर्वे पढ़ लिए होंगे
आप लोग तो सर्वे पढ़े ही होंगे, और यदि नहीं पढ़े होंगे तो हमने अपने बुक में दिया हुआ है सर्वे, तो आप इसे आराम से, आप बहुत सारे लोग लिए भी हैं तो जो लोग लिए होंगे और जो नहीं लिए होंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, आप आइएगा आर्थिक सर्वेक्षण पे, तो यहाँ पर आपको ये चार्ट बना के दिखा दिया गया। ये सब सारा कुछ सर्वे में आता है, हमारी ओर से नहीं है, ये सर्वे की ओर से, मतलब गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की ओर से ये डेटा दिया गया है। हमने उसे एक जगह पे आप लोग को दे दिया है ताकि आप लोग आराम से कम शब्दों में इसे पढ़ करके समझ सके अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप किताब निकाल के देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैं फिगर में भी आपको दिखाते रहूँ यहाँ पर, तो हालांकि हो सकता है यहाँ पर ये साफ साफ ना दिख पाए क्योंकि ये डेटा बड़ा है, इसके चल करके आगे भी और भी डेटा बड़ा आते जाएगा। तो ये सारे चीज़ हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ये वाला डेटा में जब आप देखिएगा तो यहाँ पर दो चीज़ है, स्थिर मूल्य वाला, जब वहाँ पर आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि वहाँ पर स्थिर मूल्य में दिया गया है कि 2011-12 और चालू मूल्य, ये तो है ही, चालू मूल्य पे बात तो हो ही चुका है। तो आप लोग वर्तमान मतलब ये हो गया चालू मूल्य, तो इसे आप लोग आराम से देखिए ये क्या है। स्थिर मूल्य का मतलब क्या हुआ कि मूल्य को स्थिर करके, दैट मीन्स उस समय का, इसमें मुद्रा स्फीति को हटा दिया जाता है कि जैसे 2011-12 में, मान के चलिए अभी जो फेवरेट अभी जो चल रहा है चुपचाप से, जो कछुए की चाल चल चल के शिखर तक पहुंच रहा है, अभी पता नहीं और भी कहां पहुंचेगा। तो ये देखिए, मान के चलिए हम लोग ले लेते हैं सरसों का तेल, सरसों तेल, छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे सरसों का तेल है, मान के चलिए मेरा या आपका किसी का एक हमारा सरसों का मिल है, जहाँ कि हम लोग सरसों तेल को प्रोड्यूस करते हैं, उसका बीज से तेल निकालते हैं और उसको फिर मार्केट में हम लोग बेचते हैं। तो 2011 में 11-12 में इसका प्राइस था, मान के चलिए 80 रुपया इसका प्राइस था, 80, ठीक है। और हम लोग मान के चलिए कि डेली या फिर वर्ष में, मान के चलिए कि एक वर्ष में 1000 kg का उत्पादन करते हैं, 1000 kg, एक साल में हम लोग 1000 kg का उत्पादन करते हैं, तो उस समय के हिसाब से मेरा जो है वो ग्रॉस प्रोडक्शन क्या हो गया, ग्रॉस टोटल, शुद्ध नहीं बात हो रहा है, ग्रॉस कितना हुआ, तो 80 × 1000, तो कितना हो गया उस टाइम के हिसाब से मेरा हो गया 80,000, कि हमने कितना का प्रोडक्शन किया साल भर में, 80,000 का, ये हो गया स्थिर मूल्य पर। अभी भी हम लोग 1000 का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं मान के चलिए, या फिर मान के चलिए इसका अब हम लोग 1200 kg का, 1200 kg का प्रोडक्शन करने लगे हैं, कुछ तो भाई विकास भी होना चाहिए ना समय के साथ, या फिर पता चले कि भाई विकास तो कर ही नहीं रहे तो हमारा जो विकास दर है वो तो फिर नीचे चला जाएगा। तो चलिए कुछ कुछ विकास किए हैं, 1000 kg से हम लोग बढ़ा करके अब कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, 1200 kg। लेकिन अब जो है वो सरसों तेल का मूल्य कितना हो गया हमारा, जान रहे हम लोग, 200 रुपये किलो, इतना हो गया महंगा, क्योंकि आपका जेब तो मज़ा आ रहा होगा सरसों तेल लेने में, रिफाइंड लेने में, पेट्रोल डीजल गैस पता नहीं क्या क्या टोटल चीज़। खैर ठीक है, ये एक प्रोसेस है कि मुद्रा स्फीति में, चूँकि हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ को समझना भी आवश्यक है कि ये एक प्रोसेस है, वो आम चीज़ है कि कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन इसके बाद जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो मुद्रा स्फीति ही होगा। मुद्रा स्फीति में हम लोग समझेंगे कि ठीक है ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि कीमतें बढ़ेंगी, इसमें से जो भी लोग होंगे वो ये टेंशन फ्री एकदम हट दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई बीजेपी में ये हो रहा है, कांग्रेस में वो होता था, ये ऐसे वो है ये है, कोई भी पार्टी रहेगा यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके ये बात बता रहे हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि कीमतें बढ़ेंगे, लेकिन कीमतें कितनी बढ़ेंगी वो डिपेंड करता है कि आप नियंत्रित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप सफलता से सरकार चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे देशों में देखने को मिला है कि भाई मुद्रा स्फीति में, चलिए विशेष तौर पे बात होगा, लेकिन यहाँ पे एक है कि लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे लगता है कि ये सरसों तेल वगैरह थोड़ा लिमिट क्रॉस कर रहा है, ये 80 था ये अभी 100, 120 इतना होता
चलता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये 200 पहुंचना ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जैसे मान के चलिए अभी हमारा, जैसे कि उस साल में हमारा जीडीपी, जैसे मैं सिर्फ अपने बात कर रहा हूँ कि मैं हमारा मेरा जीडीपी कितना था, जीडीपी मेरा था उस साल का 80,000 रुपये, लेकिन अभी कितना कर रहे हैं प्रोडक्शन 1200 kg का। तो इसमें अब हम लोग कितना ये बिक रहा है, 200 रुपये पर केजी बिक रहा है, तो अब मेरा प्रोडक्शन कितना हो गया, 224 और 40, अभी प्रोडक्शन हो गया 240,000 का। मतलब बढ़ोतरी कितना दिखा रहा है यहाँ पर, 3 गुना, कि उस समय से मेरा जीडीपी बढ़ गया 3 गुना। तो क्या लग रहा है कि जो हमारा डोमेस्टिक हमारा जो प्रोडक्शन था, ग्रॉस जीडीपी, वो रियली में 3 गुना बढ़ा है क्या? प्रोडक्शन पे देखिएगा 3 गुना बढ़ा है, बढ़ा है नहीं बढ़ा ना, कितना बढ़ा, बढ़ा कितना है, 1000 केजी था तो वो 1200 केजी हो गया। मतलब इसको बोल सकते हो लोग 20%, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 300% हो गया, 100% से 300%, या 100% से 120% आए हैं, 20% बढ़ा है, यहाँ तो 200% इंक्रीज कर गया। तो इसी को बोलते हैं कि ये मैच नहीं हुआ। अगर ठीक है मुद्रास्फीति 2% 4% ये मान के चलिए अभी 100-120 तक होता तो ठीक था, जैसे वहाँ पे 80 रुपये था तो यहाँ पे 100 हो जाता, 120 तक, मैक्सिमम 120 तक होना चाहिए था, तो ये एक लिमिट में रहता, तो हम लोग बोलते हैं ना ठीक है मुद्रास्फीति को हमारे कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पे है थोड़ा कि थोड़ा अब ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इसीलिए स्थिर मूल्य पे भी निकाला जाता है जीडीपी। जैसे स्थिर मूल्य पे अभी अगर आप, अगर यहाँ पे मान के चलिए इस साल का जो प्रोडक्शन है वो 1200 केजी है, अगर स्थिर मूल्य पे निकालेंगे तो हमारा किस पे निकालेंगे, ये हो गया करेंट प्राइस पे, ये हो गया हमारा जो जीडीपी हो गया इस साल का, वो हो गया चालू मूल्य पे। लेकिन अगर स्थिर मूल्य पे निकालने बोले कि स्थिर मूल्य पे जीडीपी निकालिए, तब ना आपको वास्तविक औकात पता चलेगा कि आप कितना आपका बढ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1200 और यहाँ इंटू करना होगा हमें 80, तो कितना हो जाएगा, 12×8=96 और 30। ठीक है, मतलब अभी हम लोग का प्रोडक्शन कितना हो रहा है स्थिर मूल्य के हिसाब से 96,000। तो बोलेंगे कि भैया स्थिर मूल्य के आधार पर आपका जीडीपी इतना है, ये चालू मूल्य पे या वर्तमान मूल्य पर इतना है, जिसमें कि मुद्रास्फीति इंक्लूड है। क्या मैं आप लोग को समझा पाया? तो यही होता है डिफरेंस। आप कभी भी जो आपको डेटा दिया गया है बुक में, वो बुक में आप आराम से पढ़िएगा, ये सब में देखिएगा, यहाँ पर आपको फिगर में भी दिखा दिया जाएगा कि आपको देखिएगा स्थिर मूल्य पे और कांस्टेंट करंट प्राइस पे, ये दोनों में अलग अलग होता है। और जो स्थिर मूल्य पर रहता है ये देखिएगा हमारा डेटा सब छोटा छोटा मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको हमारे जीडीपी का जो होता है ना ग्रोथ रेट भी अधिक दिखाएगा उधर, और सारा कुछ वैल्यू भी जो है वो अधिक दिखाएगा डेटा कि हमारा जीडीपी कितने कितना बड़ा था, वो भी आपको स्थिर मूल्य पे कम मिलेगा और वर्तमान मूल्य पे अधिक मिलेगा। वो क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इंक्रीजमेंट वर्तमान मूल्य पर हम लोग माप देते हैं, जिसमें कि मुद्रास्फीति इंक्लूड है। मुद्रास्फीति की क्लास नेक्स्ट आपकी मुद्रास्फीति की ही क्लास होगी, उसमें हम लोग आराम से समझेंगे कितना अच्छा है क्या बुरा है, कैसे क्या कारण है और कैसे इसको रोका जा सकता है, इस हिसाब से सारा पढ़ लेंगे हम लोग मुद्रास्फीति को आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख लें जीडीपी करेंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे, ये दोनों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम लोग देखिएगा ये सेक्टर, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सेक्टर वाला देख लीजिएगा आप उसी बुक में, आपका सर्वे में ही उससे थोड़ा सा आगे में है, सर्वे में दिया गया है कि कहाँ से हम लोग को कितना कितना प्राप्त हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है यहाँ से, कि वर्तमान में झारखंड में एग्रीकल्चर का सहयोग हमारे जीडीपी में या कितना है। आपको वहाँ पे जीवीए भी मिल सकता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, कोई टेंशन ले लेने बात नहीं है, लगभग दोनों समतुल्य होता है, या तो जीडीपी कह लीजिए या जीवीए कह लीजिए, लगभग समतुल्य, थोड़ा सा डिफरेंस है माइनर, आप टेंशन ना लीजिएगा, आराम से उसको पढ़िएगा। तो जीडीपी में हमारा कितना उसका सहयोग है या जीवीए में कितना सहयोग है, तो वो देख लीजिएगा, वो बजट में सारा कुछ दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा एग्रीकल्चर और या फिर चलिए प्राइमरी, जैसे तीन सेक्टर होता है हम लोग बात कर चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, ये तीन चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं, ये तीन तीन क्षेत्र होता है। तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान अभी झारखंड के बजट में है 21.5, इसका है लगभग 32 और टर्शियरी का है 45.8, ये भी शायद 8 ही है,
लगभग इतना है, ये आपका डेटा यही दिया हुआ है, टर्सरी इतना 40 से 70 90 97 98, ठीक है, इतना ही नहीं डेटा दिया हुआ है, प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये याद रखिएगा कि हमारे जीडीपी में, झारखंड के जीडीपी में कितना योगदान है, झारखंड में सेवा क्षेत्र का, उद्योग सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र का और प्राथमिक क्षेत्र का। इसके बाद दो चीज़ आपको और मिल जाएगा, अलग से मिलेगा कि एग्रीकल्चर, कभी कभी क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है कि कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है। चूँकि यहाँ पे देखिएगा प्राइमरी सेक्टर में आपको दो चीज़, आपको प्राइमरी सेक्टर में बात हुआ है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे कि कृषि हो गया और वन वगैरह, लकड़ी कास्ट उद्योग, लकड़ी उकड़ी जो है, ठीक है, वनोत उत्पाद, ये सब सारा, मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सब जितना भी है नेचुरल चीज से रिलेटेड, वो सब सारा एग्रीकल्चर में आता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। तो ये, और दूसरा में माइनिंग भी आ जाता है। तो जब सिर्फ एग्रीकल्चर की बात होगा तो आप ये बजट वाले में भी आप देखिएगा उस बुक में, सर्वे वाले पार्ट में, कि एग्रीकल्चर से है 12.7 या 8 होगा, ठीक है, नहीं शायद 6 होगा, खैर जो भी होगा आप लोग डेटा एक्यूरेट देख लीजिएगा, 12 पॉइंट कुछ है। और जो माइनिंग वगैरह का है, उसके बाद देखिएगा माइनिंग वगैरह का जो है खनन उत्खनन ये वाला, वो लगभग आपका 8.7% है। ये अलग अलग इसलिए बता रहे क्योंकि ये दोनों हो गया प्राइमरी, ये दोनों प्राइमरी में इंक्लूड होता है, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करेगा तो एग्रीकल्चर में हमारा ये इंक्लूड होगा 12.6। एग्जाम में ये दोनों तरीके से पूछ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, या फिर बोल देगा कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। जब कृषि बोल देगा तो सिर्फ, तो इसको मारना है हमारे 12.6, लेकिन प्राथमिक बोलेगा तो ये दोनों को मिला करके 21.5 या 6 है वो। इसके बाद बोलेगा द्वितीयक क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र में है 32.8, लेकिन जब बोल देगा कि इंडस्ट्री क्षेत्र से कितना है, तो इंडस्ट्री में सेकेंडरी सेक्टर जो है वो जितने उद्योग हैं वो सब सारा लिस्ट भी आपको वहाँ पे दिया गया, आराम से आप देखिए कौन कौन से क्षेत्र कहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो सेकेंडरी और प्लस में इंडस्ट्री में ये भी शामिल हो जाता है, माइनिंग वगैरह। तो ये 32.8 ये, और प्लस ये 8.7, तो लगभग इसका 41.78 जो भी है ये वाला इसका आ जाएगा, इसका वैल्यू इंडस्ट्री में, हमारा इंडस्ट्री का योगदान हमारे जीडीपी में इतना है 41.6, और एग्रीकल्चर का इतना है। अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पूछ दिया सिंपल, तो ये हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे, इसके आगे डीडीपी अब समझते हैं। डीडीपी जो कि आपको मिलेगा नहीं जल्दी, कहीं नहीं मिलेगा, तो आप देख लीजिए, इसे समझ लीजिए। DDP एक DDLG भी था ना, आप लोग बहुत ये फेमस होता होगा DDLG, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLG ही बोलते हैं, LG बोलते थे, DDLG होता था शायद। तो जो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये वाला फिल्म बड़ा ही फेमस है युवाओं के बीच में, अभी भी एक बहुत ही पसंदीदा मूवी बना हुआ है। तो ये DDLG वाला नहीं हम लोग को पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना है DDP। मतलब अभी तक हम लोग देखे, ये तो आप लोग गेस कर भी सकते हैं कि ये क्या होना चाहिए, जैसे GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब यहाँ पे है सिर्फ DDP, मतलब डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रत्येक जिले का भी एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। अब कोई विशेष समझाने की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं कि भाई डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा। देश के संदर्भ में जब GDP था तो देश का सीमा रेखा, स्टेट के संदर्भ में जब हम लोग GSDP पे बात किए तो स्टेट के हमारे राज्य का जो सीमा क्षेत्र है वो, अब डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया उसके अंतर्गत कितना कितना का उत्पादन हो रहा है, ये सब भी एक डेटा आता है जो कि आपको, रुके यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग कि यहाँ पर आपको एक फिगर में आपको डेटा सारा दिख रहा होगा ये, लेकिन ये डेटा है 2005 का, 4-5 का, इसके बाद ये डेटा आ नहीं रहा है। ये आप लोग के लिए अच्छा बोलिए या बुरा बोलिए जो भी है, लेकिन इसके बाद ये डेटा आ नहीं रहा है, लेकिन अगर आता करेंट में आता तो इससे भी क्वेश्चन
बन सकता था कि यहाँ पे, चूँकि सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस किस क्षेत्र का कितना कितना है, टोटल कितना है, किसका जीडीपी अधिक है, सॉरी डीडीपी अधिक है, किस डिस्ट्रिक्ट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट अधिक है। तो ये जो डेटा आपको दिखाया जा रहा है 2004-05 का, इसमें इसके बाद आता नहीं है। ये मत सोचिए कि पुराने डेटा दिखा के पार कर रहे हैं, इसके बाद आता ही नहीं है। झारखंड का भी नहीं आ रहा है, किसी अन्य राज्य का भी नहीं आ रहा है। किसी राज्य का मैंने अभी तक नहीं देख पाया कि 2004-05 के बाद किसी का डेटा नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आ नहीं रहा है। इस बार के झारखंड वाला भी पूरा सर्वे कहीं नहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, पिछले बार का सर्वे उसमें भी नहीं दिया हुआ है, ये आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आता तो यहाँ पे देख सकते थे। अब डीडीपी समझ में आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुछ अलग नहीं है, जो सारा कॉन्सेप्ट बाकी उसमें है वही कॉन्सेप्ट इसमें भी रहेगा। लेकिन यदि अगर ये करेंट डेटा रहता तो थोड़ा सा आप लोग का बर्डन बढ़ता है कि सब याद करना पड़ता कि किस डिस्ट्रिक्ट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे अधिक है। तो यहाँ वाला जो लेटेस्ट डेटा है 2004-05 का जो है उपलब्ध वाला डेटा, तो इसके हिसाब से देखिएगा धनबाद का सबसे ज़्यादा है, 4 लाख कुछ था, लाख में है ये, उसको करोड़ में ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं कुछ कुछ। ये जो डेटा है तो सबसे अधिक धनबाद का है, फिर रांची का, इसी तरह सबका था। उसके बगल में आपका एक दो डब्बा के बाद हमें आपको दिखाया गया होगा पर कैपिटा इनकम, किस डिस्ट्रिक्ट का पर कैपिटा इनकम कितना है। जैसे झारखंड का भी तो पर कैपिटा इनकम कुछ है, तो अभी हम लोग इस पर कैपिटा इनकम पे बात करेंगे। तो यहाँ पे डीडीपी में बस इतना ही है, लेटेस्ट डेटा है ही नहीं, तो इस पर क्या बात करना। डिस्ट्रिक्ट और कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया है, हमारे एक जिला के अंतर्गत जितने भी आर्थिक क्रियाएँ होंगी, आर्थिक गतिविधियाँ होंगी, उनसे कितना का मूल्य का वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, उन सभी का योग उसका डीडीपी कहलाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। क्लियर है, बस इतना ही है। अब हम लोग बात करते हैं पर कैपिटा इनकम पे। एक चीज़ छूट गया, एक चीज़ बताते हैं आप, रुकिए। अभी जो हम लोग इससे पहले थोड़ा सा पहले देख रहे थे हम लोग ना कि प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का, ये तीनों चीज़ देख रहे थे। तो ये एक आम धारणा है, ये याद रखिएगा कि जिस भी राज्य का जीडीपी में उसके राष्ट्रीय आय में प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम रहेगा, अधिक रहेगा, तो इसको माना जाता है पिछड़ा। ठीक है, अगर इसका कम है अधिक है योगदान, तो माना जाता है कि वह पिछड़ा है। सेकेंडरी का अगर है तो इसको दोनों सहयोग, इसको विकसित में भी रखते हैं और विकासशील में भी रखते हैं। लेकिन टर्शियरी का अगर अधिक हो गया जीडीपी में योगदान, जैसे अधिक हो गया, सबसे अधिक अगर इसका है, 50% से ज़्यादा इसी का योगदान आ रहा है, तो माना जाता है कि ये विकसित राष्ट्र है। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसी अर्थव्यवस्था का यदि सेवा क्षेत्र का योगदान, जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान यदि बढ़ रहा है, तो वो देश कैसे मानेंगे कि मतलब अल्प विकसित बन रहा है विकास के दर में, या विकास की ओर बढ़ रहा है, विकसित बन रहा है, क्या है। तो जब भी सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा तो हम लोग मानेंगे कि वो देश विकसित अर्थव्यवस्था बनने की ओर है या अग्रसर है। क्लियर है, जैसे जैसे, या फिर ये पूछ दे कि जैसे जैसे कोई देश विकास की ओर अग्रसर होता है, उसका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान उसके अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे प्रश्न में मानना है कि ये जैसे जैसे हम लोग विकास की ओर अग्रसर होंगे, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हमारे जीडीपी में घटेगा। दूसरा ये पूछ देगा कि जैसे जैसे कोई देश विकास की ओर अग्रसर होता है, तो सेवा क्षेत्र का क्या होता है, उसका सेवा क्षेत्र का उसके जीडीपी में योगदान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, सेम वही। तो इसमें क्या करना है कि बढ़ता है, प्राथमिक क्षेत्र घटता है और सेवा क्षेत्र बढ़ता है। क्लियर है यहाँ तक। इस पर बहुत सारा बात करना है कि हम लोग क्यों पिछड़ा हुए हैं, क्या है, ये धीरे धीरे आएगा, टॉपिक वाइज आते जाएगा तो हम लोग बात करते जाएंगे। तो चलिए यहाँ तक हो गया, अब हम लोग बात करते हैं इससे आगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पर कैपिटा इनकम में, PCI, क्योंकि ये भी आता है। चूंकि राष्ट्रीय आय के बाद एक पर कैपिटा इनकम होता है, कि राष्ट्रीय आय में मतलब विकास को मापने का एक पैमाना ये भी होता है पर कैपिटा इनकम, यही सबसे ज़्यादा प्रचलित है
अभी वर्तमान में अगर प्रश्न आपका आ जाएगा कि किसी देश के या किसी अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर को मापने के लिए प्रचलित रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आप मानिएगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, PCI। तो इसका निकालने का सामान्य सा है फॉर्मूला। PCI कैसे निकलेगा, तो नेशनल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन, NI बटा TP टोटल पॉपुलेशन, जितना भी है उसको निकाल दिया जाता है। और इसी के आधार पर कांस्टेंट प्राइस पे भी और करेंट प्राइस दोनों पे हम लोग निकालते हैं। और झारखंड का देखिएगा फिर से वही बुक में आप सर्वे पढ़ लीजिएगा, सर्वे में दिया गया है कि कांस्टेंट प्राइस पे लेटेस्ट जो है 2019-20 के डेटा के हिसाब से 19-20 में हमारा था 57,800 कुछ रुपया है, ये है हमारा कांस्टेंट प्राइस पे। और करेंट प्राइस पे है 79,800, हाँ ये 63 है, ये शायद 73 है, इतना है ये करेंट प्राइस पे है वर्तमान मूल्यों पर, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। पर कैपिटा इनकम समझ गए, प्रति व्यक्ति आय, किसी देश के विकास के स्तर को मापने के लिए पर कैपिटा इनकम ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, जिसमें कि नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय बटा TP टोटल पॉपुलेशन। स्टेट के संदर्भ में जैसे झारखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे हमारा स्टेट का जो भी होगा GSTP मतलब मुख्य रूप से NSDP निकाल देंगे, और यहाँ पे हो गया हमारा टोटल पॉपुलेशन राज्य का हमारा निकल जाएगा। तो उसके हिसाब से ये 57,873 और 63 या 63-73 जो भी है 800 के बाद क्या क्या है देख लीजिएगा आप लोग, कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस पे ये दोनों है। अब है प्रति व्यक्ति आय को क्यों लिया जाता है, तो ये और इसके क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसमें अच्छाई है, क्या बुराई है, तो ये सब हम लोग जब विकास के स्तर होगा ना, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ये दोनों पे जब हम लोग डिफरेंस समझेंगे कि सतत विकास के संदर्भ में ये दोनों का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से एक दूसरे को पृथक करता है, एक दूसरे से अलग करता है, समावेशी विकास की ओर अग्रसर कैसे बढ़ सकते हैं हम लोग उस पे, और कैसे ये विकास को हम लोग मापेंगे, कौन कौन से पैमाना उस पे उपयोग किया जाता है मापने के लिए, ये सब सारा चीज़ पे जब हम लोग चर्चा करेंगे तब हम लोग विशेष तौर पर कैपिटा इनकम को भी देखेंगे कि विकास के स्तर को ये मापने में सही योगदान देता है या नहीं देता है। हालांकि ऑफिशियल तौर से अभी यूज़ यही होता है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग आगे अगले क्लास में।